इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से अपडेट्स ये हैं। 12 एफआईआर के अंदर खान साहब को 7 महीने के बाद नामजद किया गया, जिनकी आज समात है। रावलपिंडी में ये मुकदमात दर्ज थे 9 मई के हवाले से। आप ये देख लें कि मुख्तलिफ अदालतें जब जमानतें कन्फर्म उन्होंने की हैं तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर फैसलों के अंदर कहा है कि कैसे बिहाइंड द बार एक शख्स जो है वो कर सकता है, ना उसके पास फ़ोन है तो उसके ऊपर कैसे रोल डाला जा सकता है कि उसने किसी को कहा हो कि तोड़ फोड़ करें, जलाओ कराओ करें। तो लिहाजा कोई शवाहद नहीं है, इस बुनियाद के ऊपर जमानतें कन्फर्म की जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि वो सिलसिला रुक नहीं रहा, अभी भी स्टिल खान साहब के ऊपर केसेस में मुख्तलिफ मुकदमात जो मुख्तलिफ 9 मई के हवाले से थे उनमें नामजद किया जा रहा है। और इसी तरह से दीगर रहनुमाओं को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त नहीं जिन्होंने की, उनके खिलाफ कभी फैसलाबाद, कभी लाहौर, कभी किसी जगह नामजद किया जा रहा है। तो ये आपके सामने है कि किस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। एक तरफ खान साहब मुकदमात में बरी हो रहे हैं, इस बुनियाद पे हो रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर ये मुकदमे नए से नए मुख्तलिफ मुकदमों में नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? यानी कोई शर्म, कोई हया, किसी नाम की कोई चीज़ नहीं है इनमें। इसके अलावा 5 केसेस आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगे हैं। ये केसेस 25 मई लॉन्ग मार्च के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए थे। ये जो केसेस हैं जो चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एक दिन में इमरान खान साहब के ऊपर कोई 18-19 एफआईआर हुई थी, जिनमें से 4 में खान साहब ये 2 दिन पहले बरी हुए हैं। उन्हीं के साथ के ये मुकदमात हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला हम 249 की एप्लीकेशन बरीयत की कुछ में दी हुई है, कुछ में मजीद रहती है, तो वो इंशाल्लाह ताला गए बगाए आप देखेंगे कि ये बरी होते जाएंगे खान साहब। अच्छा, उसके साथ साथ 2 मुकदमात, पीटीवी हमला केस, पार्लियामेंट हमला केस, ये खान साहब के ऊपर दर्ज किया गया था 2014 में। दहशतगर्दी की दफात लगाई गई थी और वो दहशतगर्दी की दफात हमने एप्लीकेशन दी, वो हजफ हो गई, ख़त्म हो गई। अब जो आम अदालत है, यानी कि दहशतगर्दी की अदालत नहीं है, जो रूटीन वाली कोर्ट्स हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में ये मुकदमात जो हैं वो चल रहे हैं। इसमें भी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, बरीयत की दरख्वास्त दी जा चुकी है और अदालत से ये इस्तदा करेंगे कि किसी केस में खान साहब के ऊपर कोई एविडेंस, कोई शवाहद कोई नहीं पाए जाते, तो लिहाजा इतने लंबे क्यों मुकदमात जो हैं ये चलाए जा रहे हैं। दीगर इसमें जो मुलजमान थे काफ़ी सारे इसमें बरी भी हो चुके हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा। तो आज के केसेस की जो अपडेट्स हैं वो ये हैं। उसके अलावा जो मीटिंग है खान साहब से उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज डिप्टी जो सुपरिटेंडेंट हैं अटियाला जेल, उनके ऊपर तोहीन अदालत की कार्रवाई के लिए आज जो है वो वहाँ पर समात है। और वो समात इसलिए है कि अदालत हुक्म देती है सुपरिटेंडेंट जेल को कि आप खान साहब से मुलाकात करवाएं, इनकी वकला की या रहनुमाओं की, तो आगे से इनकार है कि ऊपर से अहकामात हैं कि मुलाकात नहीं करवा सकते, तो लिहाजा वो इनकार कर देते हैं। तो फिर हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में फिर जो दोबारा हुक्म दिया जाता है किसी मुकदमे में, तो फिर इसी तरह से सिलसिला जारी है। और जब हुक्म की तकमील नहीं होती तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त दी जाती है। लेकिन जैसे डिप्टी कमिश्नर के ऊपर जो है वो फैसला दिया था हाई कोर्ट ने, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, कि इनको गिरफ्तार करके अंदर डाला जाए, और उसके बाद अब वो जो है हुक्म इम्तना जो है उस ऑर्डर के ऊपर जारी भी हो चुका है, वो जो ऑर्डर है वो सस्पेंड है और कार्रवाई जो है वो जारी है। तो अगर ऐसे ही फिर करना है तो फिर कैसे ये लोग जो हैं वो हुक्म की तकमील करेंगे। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हद
स्कीम बना दी? एब्सोल्युटली नॉट। कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।